बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के साथ खड़े होकर शहीदों को श्रद्धांजलि देते समय कैमरे में कैद हुए विधायक के धकेलने का वीडियो 14 अगस्त को रिवारी जिले के कोसली में बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था, जिस यात्रा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और पूर्व मंत्री विक्रम यादव भी मौजूद थे। सभी बाजार से यात्रा निकालते हुए कोसली में शहीद स्मारक पर पहुंचे, जहां भीड़ ज्यादा होने के कारण धक्का मुक्की तक हो गई। इस बीच शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देते वक्त जो हुआ वो कैमरे में कैद हो गया। यहां ओपी धनखड़ के साथ विधायक लक्ष्मण यादव, पूर्व मंत्री विक्रम यादव सहित बीजेपी कार्यकर्ता खड़े हुए थे। तभी शहीदों को सलाम करने के दौरान पूर्व मंत्री विक्रम यादव की कोहनी विधायक के सामने आ जाती है, तो वही विधायक झुल्लाकर एक बार तो हाथ से कोहनी नीचे करते हैं, फिर पूर्व मंत्री को धकेलते हुए उनके आगे आकर खड़े हो जाते हैं। इन नेताओं के कार्यक्रम में फोटो के लिए एक दूसरे को धकेलना आम बात है, लेकिन शहीदों को नमन करने के दौरान फोटो खिंचवाने के लिए एक दूसरे को धकेलना, ये वीडियो वायरल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।